ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर पहले सीबीएसई के सिलेबस में था, अब नहीं है, न्यूमेरिकल इस पर आता नहीं है। दो लाइन में ख़त्म करूंगा। ऑसिलेटर हमने किया हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट्स में, जिसमें एल और सी लगाते हैं, एनर्जी एल को दी, फिर उसने सी को दी, फिर एल को, फिर सी को, फिर एल को, फिर सी को, तो ऐसे ऑसिलेशन हो जाती हैं, एनर्जी ऑसिलेट करती है। प्रॉब्लम ये थी कि जब आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकली ये काम, तो एनर्जी एल को दोगे, जैसे सी को देगा वैसे एल को देगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, डैम्पिंग हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है वायर्स में, तो ख़त्म हो गई, तो आपका ऑसिलेशन चल नहीं पाता। हमें क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि अगर मैंने उसको 10 एनर्जी दी, तो मुझे पता है कि 10 शेयर करने के बाद या एनर्जी ऑसिलेट करने के बाद एनर्जी 10 के बाद 8 भी होगी, फिर 6 भी होगी, फिर 4 भी होगी, 0 हो जाएगी। मैं चाहता हूँ एनर्जी हर बार 10 की 10 रहे, तो एक ही तरीका है और वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, क्योंकि एम्पलीफिकेशन का सिस्टम समझ में आ गया हमें। तो जैसी एनर्जी 8 होती है, एलसी ऑसिलेटर को आपने 10 से शुरू किया, उसने एनर्जी 8 कर दी, तो ऑसिलेटर ऑसिलेट करने की बजाय पहले वो ट्रांजिस्टर को दे दे, तो वो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन कर देगा करंट की, एनर्जी को एम्पलीफाई कर देगा, वापस से 10 कर देगा, फिर ऑसिलेटर को देगा, ऑसिलेटर उसको 8 कर देगा, फिर एम्पलीफायर उसको फिर 10 कर देगा। तो इसलिए ये एम्पलीफिकेशन का काम जरूरी है, ताकि डैम्पिंग ना हो, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो। इसीलिए एलसी ऑसिलेटर के आगे हम क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो जो इसकी आउटपुट है, जो कम हुई हुई एनर्जी है, वो इसको दे देते हैं, ये ठीक कर देते हैं, और वो उसी एनर्जी को ये वापस कर देते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, फीडबैक सर्किट। ये फीडबैक भी देता है, आप उसी की एनर्जी घुमा के एम्पलीफाई करके उसी को दे देगा एलसी ऑसिलेटर को, तो ये फीडबैक सर्किट है, बस ये इसका प्रिंसिपल है। और ट्रांजिस्टर क्यों यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए, बस ये काम है। ठीक है यहाँ तक?